सुपरहिट हिंदी मूवीज और उनके सीन सॉन्ग्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हिंदी मूवी प्लेक्स। बादशाह है, हम उड़तों के पर और दौड़तों के पैर काट दिया करते हैं। दो जहान के मालिक ने वो ताकत आज तक किसी को नहीं बख्शी जो हमसे हमारी चीज छीन कर ले जाए। बादशाह, तुम्हें तुम्हारा मुकद्दर बख्शिश भी मिला है और हम गरीब अपना मुकद्दर खुद लिखते हैं। जिसके बाजुओं में ताकत होगी वो आज हार ले जाएगा। खामोश। तू जाएगा कहां? तू मौत से तो बच सकता है लेकिन बादशाह से नहीं। अमर, ये लो अपनी जमीन के कागजात। अब ठाकुरों के पास तुम्हारी जमीन गिरवी नहीं रही। थैंक यू जी, थैंक यू। वाह, वैसे भी हम गरीब किसानों के खून पसीने की कमाई ये जमीन जा ही नहीं सकती थी। अमर, कब चली तेरा सत्यानाश? ओ मदन, खुशखबरी, खुशखबरी। मैं ऐसी खुशखबरी लाया हूँ कि तेरी भूख मर जाएगी। इससे पहले कि तेरी भूख मर जाए, चल आलू की छेछे पराठे खा ले। तू तो ऐसे खुश हो रहा है जैसे कोई खजाना मिल गया हो। खजाना मिला नहीं, खजाना लूट कर लाया है। अरे मुन्ना, तू आ गए? हाँ, इस इलाके के नए पुलिस स्टेशन का नया ऑफिसर इंचार्ज मिस्टर विजय सर। अरे माँ, ये पुलिस ऑफिसर बन गया, कैसा है? अरे आपके आशीर्वाद से भाई। अरे इधर आ। कहाँ छुपा कर रखा है? क्या देख भाई, मैं तुम्हारा छोटा भाई हूं, तुम्हारी कोई बात मुझसे छुपी नहीं। और अब तो मैं पुलिस वाला हूं, सब कुछ पता लगा लूंगा। सच सच बता दे। देखा माँ, देखा, कहावत पूरी करने जा रहा है ये कि जिस दिन मैं थानेदार बन गया ना, सबसे पहले घर वालों की पिटाई करूंगा। अरे मैंने कोई खजाना वजाना नहीं उड़ाया। अरे मैं खजाना नहीं, खुशखबरी पूछ रहा हूँ। कौन सी खुशखबरी? ये कि तू आ गया। चल चल परे हट। मुझे तो तुम दोनों से खुशखबरी चाहिए, तुम दोनों की मुझे शादी चाहिए, इसी महीने बस। सुन लिया? ओ सावन का महीना, ते अम्मा करे सोरा। जल्दी से पराठे बना दे। बनाती हूँ।
पर भैया माँ की इच्छा पूरी कर ही देनी चाहिए। छिटके, लगता है टांका भिड़ा लिया। हाँ भिड़ तो गया है, लेकिन पहले तुम निकलो। मैं क्यों? हाँ समझ गया, जब तक मेरा इंजन नहीं निकलेगा तेरे लिए लाइन क्लियर नहीं होगी। ठीक है, तुम्हारे लिए सोचता हूँ मैं भी कुछ ना कुछ। लगता है तुम्हारा भी कहीं नहीं हूँ, लेकिन देखो माँ को नहीं पता लगना चाहिए। माँ को नहीं बताऊंगा, लेकिन पहले मैं देखूंगा तुम्हारी वाली, क्योंकि बड़ा है मुझसे। अरे चुप, मैं बड़ा हूँ, पहले मैं देखूंगा, पसंद करूंगा, फिर आगे बात करूंगा उनसे। ठीक है डन। ये वो पास कर दी ना। तुम्हारी शादी पक्की हो जाएगी। हाँ। शादी? अरे मेरी शादी हो जाएगी, मेरी शादी हो जाएगी। अरे पगले, इसे तो मैंने पसंद किया था तेरे लिए। कमाल है, मेरी पसंद भी तुझे पसंद आ गई। इतनी अच्छी लड़की तो जिंदगी में नहीं मिल सकती थी। माँ से जाकर कहता हूँ कि जल्दी से लगन की। अरे भैया, अपनी वाली नहीं दिखाओगे? अरे फकले, अगर मैं तुझे ये कह देता कि मेरी कोई नहीं है तो आज दिखाता इसे, और फिर मुन्ने शादी ब्याह तो भगवान के हाथ है। हो सकता है दूल्हे की लिस्ट में अपना नाम ही ना हो, और हो सकता है नाम हो कोई हमसे भी ज्यादा जरूरतमंद आ गया हो, है ना, और हमारा नाम काट दिया गया हो। और जिस दिन लिस्ट में नाम आया उस दिन चट मंगनी पाट गया। अरे जोर लगा के हैया, पैर जमा के हैया, जोर लगा के। अरे अमर आ गया। अरे अमर क्या हो गया छोटे बाबू? अरे घोड़ी की टूट गई कमर। अरे भैया जरा चक्का बाहर निकाल दे। ये चक्का निकलने वाला नहीं छोटे बाबू, इसको जितना बाहर निकालोगे उतना ही अंदर जाएगा। अरे अमर किस दिन तेरी ताकत काम आएगी। अरे निकाल दे, निकाल। छोटे बाबू तुम कहते हो तो निकाल देता हूँ, वरना ये बग्घी तो देसी है। आ जा आ जा आ जा। अरे मेरा सिर। बोल मत सुनता जा। हैं? है? ये घोड़ी के कान में कौन सा भूखा मंतर गिरफू चक्कर हो गई? तुम्हें बताता हूँ, किसी को बताना नहीं। मैंने घोड़ी, धन्नो है ना घोड़ी का? हाँ धन्नो है। मैंने कहा धन्नो तेरा लगन हो गया। मैंने कहा लगन करेगी? मैंने कहा मेरे घोड़े के बारे में क्या ख्याल है? तो कहने लगी मानेगा क्या? मैंने कहा कैसे नहीं मानेगा, घोड़ा ताकतवर है, अपनी ताकत का अंदाजा तू भी बता दे कि तेरे में भी बड़ा दम है। भैया निकाल के बाहर आ जा, फौरन हाँ करवा लूंगा उससे। अब तो देख बात जमा ले, सेठ से बात करके कोई अच्छा सा दिन देख के इसके लगन की तारीख पक्की कर देना। इन ठाकुरों के कोई भी धनो फंस फंसा जाना, बुला लेना, काम कर दूंगा। फंसावा तो बहुत ही है ये, मगर इसको मत निकालियो। छोटे बाबू जी इधर आओ। आया सरकार। अरे माफ करना सरकार, फिर वही आदत है ना। वो कौन था? वो घोड़ा था। अबे गधे, घोड़ा नहीं घोड़े वाला कौन था? घोड़े वाला नहीं सरकार, वो अमर है। हाल ही में उसका भाई विजय यहाँ का थानेदार बन के आया है। आज मैं एक इंस्पेक्टर हूँ, और इस पुलिस की वर्दी में मेरे भाई की मेहनत का पसीना चमकता दिखाई देता है। सच पूछो तो मेरा भाई किसी देवता से कम नहीं है। इंस्पेक्टर, देवताओं ने धरती पर जन्म लेना बंद कर दिया है। तुम्हारा भाई एक चोर है। चित्रापुर के मेले में 5 लाख का हार चुराने वाला बादशाह डाकू नहीं, बल्कि तुम्हारा भाई अमर है। मैं आपकी जबान खींच लूंगा। खबरदार, ये मत भूलो कि हम एक जज हैं।
जी हाँ, मैं भूल गया था, मैं भूल गया था कि आप एक जज हैं और उस ठाकुर के भाई हैं, जो जन्म से गरीबों का दुश्मन है, जिसके खाते में एक बार किसान की जमीन चढ़ जाती है तो वापस किसान के पास उतर कर नहीं आती है। जज साहब, मैं भूल गया था कि वो बरसों से हमारी छोटी सी जमीन पर नजरें जमाए बैठा है और उसे हत्याने के लिए वो आपके जरिए मेरे भाई को चोरी के झूठे इल्जाम में फंसा कर जेल भेजने का भी सोच सकते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा जज साहब। अभी तक इस इलाके में सिर्फ फरियादी थे, फरियाद सुनने वाला कोई नहीं था, जुल्म सहने वाले थे, जुल्म रोकने वाला कोई नहीं था। मगर अब जुल्म का जवाब है। अब यहां किसी के साथ कोई बेइंसाफी नहीं होगी। क्या सबूत है आपके पास कि मेरे भाई ने चोरी की है? सबसे बड़ा सबूत है तुम्हारी गिरवी रखी हुई जमीनों के कागजात। उन कागजात को तुम्हारा भाई अदालत में पैसे जमा करवाकर छुड़वा लाया है। तो क्या हमारी जमीन गिरवी से छूट गई? जी हाँ, सिर्फ 1,75,000 रुपए में। और फिर दूसरा सबूत हम है, हमने खुद उसे मेले में हार चुराते हुए देखा है। विजय, तुम यहां कानून के रखवाले बनकर आए हो और तुम्हारा भाई कानून का सबसे बड़ा दुश्मन है। क्या तुम उसे गिरफ्तार कर सकोगे? तुम्हारे हाथ तो नहीं कांपेंगे? अगर यह सच है तो चोर को पकड़ना मेरी ड्यूटी है। मैं अपनी फर्ज की वर्दी पर बदनामी की गर्द जमने नहीं दूंगा।